एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक पुंबारका में स्थित मालाहेड़ी गांव पड़ा। लगभग 2600 की आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान मोहम्मद याहिया हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रहे हैं। लगभग 1540 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 350 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 365 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 80 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 17 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं, तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 18 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री, 6 सीसी टाइल्स रोड, प्राइमरी विद्यालय में मरम्मत कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 138 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में स्कूल भवन मरम्मत, जूनियर हाई स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान मालाहेड़ी, मेरा नाम मोहम्मद याहिया, ब्लॉक कुमारका, जिला सहारनपुर। मैंने अपने गांव में अनेक कार्य कराए, जिसमें जैसे सोलर लाइट और बिजली के खंभे जो हैं वो और बढ़वाए, बिजली की जो सुविधाएं और दी, पेयजल की समस्याएं ठीक कराई और सोलर लाइट लगवाई, और इसके अलावा संपर्क मार्ग पर खड़ंजा निर्माण कराया, गांव में RCCM डलवाई, और एक तालाब है हमारे पास में जो हमारे रास्ते को बार बार तोड़ देता था, वहाँ पर पेचिंग कार्य करवाया मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत ही चक्रों पर मिट्टी डलवाई और RCC कार्य भी गांव में कराया गया। स्कूलों में शौचालय बनवाए, हाथ धोने की व्यवस्था ठीक कराई और पानी पीने की व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक कराई। पेयजल की जो व्यवस्था थी, साफ सफाई की व्यवस्था कराई, और इसके अलावा जो है समर सिविल कराए वहाँ पर, और आपको और भी बहुत कार्य कराए। लोहिया आवास भी आए हमारे गांव में 3, और जो समस्याएं हैं, और समस्याएं तो ये मान लीजिए कि सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी वो शिक्षा को लेकर है। शिक्षा में ज़्यादातर जो समस्या है, एक तो हमारा प्राइमरी स्कूल बच्चों के हिसाब से बहुत छोटा है, उसकी बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है, तो अगर हमें बिल्डिंग मिल जाए तो ज़मीन हमारे पास है तो हम दूसरी जगह उसे ले जा सकते हैं। एक सरकार का अभियान जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान में भी तेज़ी आ सकती है मेरे हिसाब से मेरे गाँव में, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर जो है कक्षा 8 तक का स्कूल है, और कक्षा 8 के बाद जो है वो बच्ची जो है दूसरी जगह स्कूल में नहीं जा पाती, उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। जिसका कारण यह है कि हमारे यहाँ से जो इंटर कॉलेज है वो 6 किलोमीटर के करीब पानसर में है, टोपरी में है, या फिर सहारनपुर जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ की जो समस्या है वो ज़्यादातर जो है वो शिक्षा को लेकर है। पेयजल समस्या है हमारे यहाँ कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है, पेयजल की कोई समस्या नहीं है। और इसके अलावा एक संपर्क मार्ग है, अगर वो बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है,